और ये कानून जो है देश को तोड़ने वाला कानून है और मानवता के खिलाफ ये कानून है। काफी आक्रोश में है, नॉर्थ ईस्ट से लेकर के देख लीजिएगा हर जगह, चाहे एनआरसी का मुद्दा हो चाहे कैग का मामला हो, इसमें हम लोग जो है पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। रुआ देख रहल बानी बिहार के डिजिटल क्रांति के जनक न्यूज बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव टीवी। नीतीश कुमार ने बिहार को बर्बाद कर दिया, बिहार को पूरी तरह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के गोद में रख दिया है, गिरवी रख दिया है बिहार को नीतीश कुमार ने। तेजस्वी यादव पूरा गुस्से में थे और आज उन्होंने खुलकर नीतीश कुमार का विरोध किया। कल ही उन्होंने घोषणा कर दिया था कि अब वो नीतीश कुमार को चाचा नहीं कहेंगे। नीतीश कुमार को लेकर के और उनके समर्थन को लेकर के सीएबी पर खूब जम करके धरना और प्रदर्शन का दौर शुरू हो चुका है। तेजस्वी यादव ने लिखा है कि गांधी, लोहिया, जेपी कर्पूरी और लालू के बिहार को आरएसएस भाजपा संघ मिलकर नीतीश कुमार ने सावरकर, गोलवरकर और गोडसे का बिहार बना दिया है। नागरिक संशोधन बिल और एनआरसी के काले कानून के विरुद्ध पटना में आज धरना प्रदर्शन कर रहा हूं। मैं धरने पर हूं और नीतीश कुमार के इस मंसूबे पर कभी भी कामयाब नहीं होने दूंगा। खास करके तेजस्वी यादव ने जमकर नीतीश कुमार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा की प्रकृति को सब कोई जानते हैं, सब जानता है कि भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच, समाज के बीच विद्वेष फैलाकर, बांट करके अपनी राजनीति को आगे बढ़ाती है। हिंदू और मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान के सिवाय भारतीय जनता पार्टी के पास कोई एजेंडा नहीं है। पर नीतीश कुमार जो पहले से ही भारतीय जनता पार्टी का छुप करके एजेंडा बिहार में लागू कर रहे थे, अब खुलकर सामने आ गए हैं। जिस तरह से नीतीश कुमार ने बिहार की जनता के जनादेश का धोखा किया था, अब उनके मंसूबे खुलकर सामने आ गए हैं। पर बिहार की जनता हमारे साथ है, हम लालू के, कर्पूरी के, जेपी के, लोहिया के अनुयायी हैं। हम किसी भी कीमत में गांधी के इस देश को ऐसे गोलवरकर के समर्थकों को बर्बाद नहीं करने देंगे। हम सीएबी कानून जो देश को बांटता है उसे लागू नहीं होने देंगे। सुनिए जब भारत लाइव के रिपोर्टर ने उनसे प्रश्न पूछा तो उन्होंने रवि कुमार के सवाल के जवाब में क्या कहा। उसकी धजिया उड़ाता है और ये कानून जो है देश को तोड़ने वाला कानून है और मानवता के खिलाफ ये कानून है। बीजेपी जो है देश को तोड़ने का काम कर रही है और अब तक जितना भी पूर्व में केंद्र सरकार का फैसला रहा है, चाहे नोटबंदी का हो, जीएसटी का हो, आप देख सकते हैं आधी रात में जिस प्रकार से लोकतंत्र और संविधान की ये लोग धज्जियां उड़ाने का काम कर रहे हैं। रात भर, रात में महाराष्ट्र में सरकार बनाते हैं तो कहीं ना कहीं से जितने पूर्व में फैसले रहे नोटबंदी जीएसटी को लेकर के, सारे फैसले जो हैं देश के लिए नुकसानदायक रहे हैं। अगर पूछा जाए नोटबंदी से क्या फ़ायदा रहा तो बीजेपी के लोग इसका जवाब नहीं दे पाए। तो इसलिए ये जो कानून है इसमें जो इनके सहयोगी हैं, जिन्होंने बढ़ चढ़ करके साथ देने का काम किया, जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उन्होंने पुरजोर समर्थन जो है लोकसभा में भाजपा को समर्थित जो बिल है उसको समर्थन देने का काम किया। हम लोग ये कहना चाहते हैं जो गांधी जी की बात करने वाले लोग, जो लोहिया जी की बात करने वाले लोग, जो कर्पूरी जी की बात करते थे, जो बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बातें करते थे, ख्वाब देखा करते थे, जो आरएसएस मुक्त भारत बनाने की बात करते थे, आज नीतीश कुमार जी को जवाब देना पड़ेगा कि आज पूरी तरीके से संघ की गोद में ही नहीं बल्कि पूरी तरीके से संघी हो चुके हैं और देश को बर्बाद करने की ओर चल पड़े हैं। देखिए संविधान का जो प्रीएम्बल्स है उसमें साफ तौर पर लिखा है कि धन के आधार पर जो है बंटवारा नहीं हो सकता, सभी लोगों को सम्मान अधिकार है, चाहे कोई जात के हो, कोई धर्म के हो, कोई बिरादरी, वी द पीपल, ये प्रीएम्बल्स में जो है सबों को बराबर रखने की बात की गई है।
लेकिन जिस प्रकार से एक समुदाय को टारगेट बनाया जा रहा है, हम लोग सब लोग बचपन में नारा सुनते थे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है हम भाई भाई, ये कहीं ना कहीं से आज जो देश जब हम लोग सोते हैं गांधी जी के देश में, लोहिया जी के देश में, अंबेडकर जी के देश में, जेपी जी के देश में, कर्पूरी जी के देश में, लेकिन जब सवेरा होता है तो दिखता सावरकर का देश, गोवलकर का देश, गौडसे का देश। तो इसलिए हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि देश को बचाने का काम करें। और लोग जो हैं काफ़ी आक्रोश में हैं, नॉर्थ ईस्ट से लेकर के देख लीजिएगा हर जगह, चाहे NRC का मुद्दा हो, चाहे कैग का मामला हो, इसमें हम लोग जो है पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। लेकिन जो पब्लिक कमिटमेंट करने वाले लोग 370 धारा पे, आप देखिएगा 370 धारा हो, ट्रिपल तलाक हो, या NRC हो, या कैग हो, इनका पब्लिक कमिटमेंट क्या था? इनका यही पब्लिक कमिटमेंट था कि इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की जाए, लेकिन ये ढकोसला किया जा रहा है, ड्रामा किया जा रहा है। ये जो भी जदयू में जो लोग हैं नीतीश कुमार ड्रामा करवाने का काम कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं से इनका जो डिसीजन गलत हुआ है उसको मेकअप करवाने के लिए ये पूरी तरीके से ड्रामा कर रहे हैं। देश को बचाने का काम करें। और लोग जो हैं काफ़ी आक्रोश में हैं, नॉर्थ ईस्ट से लेकर के देख लीजिएगा हर जगह, चाहे NRC का मुद्दा हो, चाहे कैग का मामला हो, इसमें हम लोग जो है पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। लेकिन जो पब्लिक कमिटमेंट करने वाले लोग 370 धारा पे, आप देखिएगा 370 धारा हो, ट्रिपल तलाक हो, या NRC हो, या कैग हो, इनका पब्लिक कमिटमेंट क्या था? इनका यही पब्लिक कमिटमेंट था कि इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की जाए, लेकिन ये ढकोसला किया जा रहा है, ड्रामा किया जा रहा है। ये जो भी जदयू में जो लोग हैं नीतीश कुमार ड्रामा करवाने का काम कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं से इनका जो डिसीजन गलत हुआ है उसको मेकअप करवाने के लिए ये पूरी तरीके से ड्रामा कर रहे हैं। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर प्रतिभा प्रोत्साहन परीक्षा 2019। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।